बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू हानिया किचन। आपको मैंने पहले भी पिज़्ज़े की रेसिपी दी है, आज मैं पिज़्ज़ा जो है पैन पे बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने ओवन में बनाना सिखाया था। ये बहुत इजी और टेस्टी बनता है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और अब जो इसकी डो में चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद जो इसकी टॉपिंग में आएगी उसके बाद वो बताऊँगी। पहले मैं डो वाले बताऊँगी, जो डो को आप बनाने में चीज़ें यूज़ करेंगे वो डिटेल से बताऊँगी। इसमें मैंने जो है 3.5 कप है मैदा यूज़ किया, 3 कप भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाला कप यूज़ किया है। और 1/2 कप मैंने वॉम वाटर लिया है, बिल्कुल नीम गरम। 3 से 4 चम्मच जो मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच यीस्ट। अब एक मैं खाली बर्तन लूँगी, उसमें मैं ये पानी और चीनी और यीस्ट डालूँगी। में मैं वार्म वाटर डाल रही हूँ, नीम गर्म पानी, यीस्ट, चीनी, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है यीस्ट और शुगर और दूसरा जो है पानी का, इसको मैं 5 मिनट के लिए राइज होने के लिए रखूँगी। जब इसमें बुलबुले बन जाएंगे तब मैं जो पिज़्ज़ा डो तैयार करूँगी इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से राइज होनी चाहिए। अब मैं चम्मच से इसको अच्छे से इस तरह कर लूँगी, दोबारा से मिक्स। अब जो ये मैंने 3.5 जो कप है मैंने मैदा लिया था, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ये 4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और 1 चम्मच नमक जाएगा इसमें, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी हाथों से। अब जो ये यीस्ट वाला पानी है मैं इसमें डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता से, और आपने डो ज़्यादा ना सॉफ्ट हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल हो। अब मैं इसको गूंदूंगी अच्छे से, सिर्फ आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा गूंदना नहीं है। डो को ज़्यादा गूंदने से ये सख्त हो जाती है, फिर पिज़्ज़ा की डो जो है वो सख्त बनती है। इस तरह से बस आपने इसको पानी डालते हुए मिक्स करना है। अब मैंने इसमें 1/2 कप पानी और यूज़ करूंगी, इसको भी मैंने नीम गर्म कर लिया। जितना आपको पानी इसमें रिक्वायर हो इसकी डो बनाने में उतना यूज़ करें, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, इस तरह से आपकी डो होनी चाहिए। अब इसको मैं ना मैंने थोड़ा सा जो सूखा मैदा है उसको नीचे स्प्रिंकल किया है, इसको मैं 1 मिनट के यहाँ पे ऐसे गूँधूँगी। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने गूँधना, वरना डो आपकी सख्त बनेगी, फिर वो जो है पिज़्ज़ा डो है वो सही नहीं बनेगा, पिज़्ज़ा सख्त बनेगा। इस तरह से 1 मिनट में करूँगी। अब ये देखिए, अच्छे से हो चुके हैं। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूँगी और हाथों से इस तरह इसको कर लूँगी। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह करके अच्छे से ऑयल लगाने के बाद। 1 चम्मच ऑयल मैंने यूज़ किया इस पर, और इसको मैं कवर करके 1.5 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूंगी। और इसको आप सर्दी हैं तो ओवन में ही इस तरह कवर करके रखते 1.5 घंटे में ही राइज हो जाएगी। इतनी देर में मैं आपको चिकन जो है उसकी टॉपिंग की वो बताऊंगी कि किस तरह आपने रेडी करना है। जब तक डो राइज होती है तब तक आप मैं चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ, जो उसमें चीज़ें चाहिए वो बताऊँगी। इसमें मैंने 1 ब्रेस्ट पीस चिकन लिया है 300 ग्राम, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया, आप अपनी जैसे शेप चाहते हैं उस तरह से रख लें। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है नमक लिया है, आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने ऑयल लिया है, 1 चम्मच जो है लेमन जूस लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/2 टेबल स्पून जो मैंने ज़ीरा लिया है, इसको मैंने भून कर और फिर इसको मैंने कूट लिया है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब मैं इसको चिकन को मैरिनेट करूँगी। अब चिकन में मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस,
काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, और इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये हर चीज़ मैंने चिकन में मिक्स कर ली है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था इसको मैं फ्राई करूँगी। अब मैंने पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाला है इसलिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। मैंने पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है और इसको आपने बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये ब्रेस्ट पीस है इसलिए ये 7 से 8 मिनट में पक जाएगा। अगर आपका लेग पीस का बोनलेस है तो वो 12-13 मिनट में पकेगा। इस तरह से आपने इसको हिलाते हुए पकाते रहना है। ये देखिए 5 से 6 मिनट में ये कुक हो चुका है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब जो पिज़्ज़े की टॉपिंग में मैं चीज़ें यूज़ करूँगी वो बताऊँगी। चिकन का आपको मैं बता चुकी हूँ और उसके अलावा इसमें मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपको जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें और टॉपिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें मैंने ये ग्रीन शिमला मिर्च, सब्ज़ डबल मिर्च शिमला मिर्च यूज़ की है और प्याज यूज़ किए हैं, ब्लैक ऑलिव्स यूज़ किए हैं। आप ग्रीन ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं और ऑरेगानो लीव्स जाएंगे और पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए ये राइस हो चुकी है। अब इस तरह से मैं इसको पंच करके अच्छे से इसकी हवा निकाल कर, इसको आपने अब भूनना नहीं, बस इस तरह से ही निकाल लेना है। देखिए इसके मैंने 4 पार्ट्स कर लिए हैं क्योंकि ये मैं तवे पे बना रही हूँ। मैं छोटे छोटे बनाऊँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसके कितने भी पार्ट करें और कितना ही इसके लंबाई में बनाएं। तो अब मैं आपको इसकी जो है रोटी बना के दिखाऊँगी। ये देखिए ये मैंने हाथों से इसको किया है और इसको अब मैं फोक से इस तरह से इसमें कर लूँगी ताकि इसमें बबल्स नहीं बने, ताकि ये इसकी डो फूले नहीं। ये देखिए ये तवा पे मैं बना रही हूँ, इसको मैंने हीट अप कर लिया है। अब मैं इसकी जो है आग बिल्कुल लो कर दूँगी और जो मैंने मतलब डो बनाई थी रोटी उसको मैं इस तरह से रखूँगी इस पर। ये देखिए लो पर रख के मैंने इसको 3 मिनट पकाया था। ये देखिए ये पक चुका है। अब इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी मैं, इसी तरह ब्राउन करूंगी। अब ये दो साइड ब्राउन हो चुकी है, इस पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आपको जो साइड रखनी है पिज़्ज़ा लगाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस, आप वो वाली यूज़ कर लें दोनों साइडों में से। अब अपनी मर्ज़ी से इस पर टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर मैं टॉपिंग करूँगी चिकन की। अब इस पर मैंने चिकन की टॉपिंग कर दी, अब मैं इस पर चीज़ स्प्रेड करूँगी। आपको जितनी टॉपिंग पसंद है आप उस तरह से इसको करें। अब इस पर मैं शिमला मिर्च की टॉपिंग करूँगी। के बाद मैं फिर थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करूँगी। अब इस पर मैं थोड़े से प्याज लगाऊंगी, साथ में इस पर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, फिर इस पर मैं हल्की सी चीज़ करूँगी स्प्रेड और इसको अपने हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करना है। अब इसको मैं कवर करूंगी। अब इसको कवर करके मैं 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चीज़ की कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इधर प्लेट में निकाल के आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से
चीज़ इसमें मेल्ट हो चुकी है, ये पक चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।